इस वक्त मैं मोहम्मदाबाद के नगर में मौजूद हूँ। जो वार्ड मेंबर जीते हैं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ वार्ड मेंबर अपने घूम घूम करके लोगों को धन्यवाद प्रस्तुत कर रहे हैं। अब देख रहा हूँ कि एक माला पहने में एक साहब हैं, मैं इनसे परिचय जानूंगा और जानना चाहता हूँ कि आप जीत को कैसे क्या विकास में लाएंगे और क्या महसूस कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम मोहम्मद कैफ अंसारी है और मैं इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी दर्शकों को और ख़ास करके हमारे जमालपुर मोहल्ले के जितने भी सम्मानित बड़े बुज़ुर्ग माता बहनें और मेरे नौजवान साथी हैं, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने इस वार्ड का चुनाव हमको जिताया है, मुझे उम्मीद है कि अगल बगल के 5-6 जिलों में ये रिकॉर्ड बना होगा। आपने इतने अंतर से हमें जिताया है। बिल्कुल। और इस बार का जो चुनाव था, ये अमन पसंद लोगों का चुनाव था। इस कस्बे में, इस मोहल्ले में रहने वाले हर वो वर्ग जो यह चाहती है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, हम अपनी कारोबार सुचारू रूप से करते रहें, ये उन लोगों का चुनाव था। और यह जीत, रईस अंसारी की जीत और हमारी जीत, यह साबित करती है कि आज भी इस कस्बे में, इस क्षेत्र में अमन पसंद लोग मौजूद हैं और वो हमेशा रहेंगे। देखा आपने, अमन और शांति की जीत महसूस कर रहे हैं। अब एक वार्ड मेंबर और हैं, मैं खुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ किस वार्ड जीते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को आप। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद रैनी है जी। मेरा वार्ड नंबर 8 शेख टोला है। अच्छा। और बहुत बहुत मतलब आभारी हूँ मैं अपने वार्ड के लोगों का, जिन्होंने 4 प्रत्याशी को रहते हुए मुझे पसंद किया, इस उम्मीद पर पसंद किया कि मैं अपने काम पर खरा उतरूँगा। बस यही मतलब काम के वो पे मतलब हम जनता। आप क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे लोग आए थे, ट्रिपल इंजन की सरकार बना रहे थे, इसमें रईस अंसारी की जीत क्या महसूस कर रहे हैं? रईस अंसारी की जीत हर लोगों की मतलब पसंद था ये जीत। अच्छा। हाँ, रईस अंसारी जीते तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी जीती तो फिर वही काम होता। हाँ। जो हर जगह हो रहा है। अच्छा। हाँ, रईस अंसारी को हर लोग पसंद करते थे, हम भी पसंद करते हैं। धन्यवाद। मैं इस वक्त नगर पालिका मोहम्मदाबाद के वार्ड नंबर 20 के जीते हुए उम्मीदवार फैसल खान से बात कर रहा हूँ। एक ऐसा उम्मीदवार जो जीता है, जिसके नस नस में आपकी लोगों के फलाह व बहबूद के लिए जज्बा मौजूद है, इसका मैं खुद शाहिद हूँ कि मुरकी बालापुर करीब 200 गांव के आने के लिए जो रास्ता बना हुआ है गडरिया का पूरा में, इस रास्ते को अगर साहब फैसल बाबू अपने वाली साहब से कह कर के नहीं दिए होते तो शायद उस गांव के लोगों के आने के लिए रास्ता नहीं है। और मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने दिया था। मैं पहले तो आपको इस काम के लिए धन्यवाद देता हूँ कि आज हम लोग जिस रास्ते से आते हैं उस रास्ते का आप मालिक हैं, और आपके मोहब्बत और आपकी जज्बा का सलाम कि जो हम लोगों को दिया कि उस रास्ते से हम लोग आते हैं। मुरकी गांव के तमाम उस 200 गांव के लोग जो आते हैं मालूपुर वगैरह से, आज आपको उसका दुआ मिली है लोगों की दुआ की कि आज आप अपने नगर पालिका में सभासद बने हैं, और इस सभासद की हैसियत से जीतने के बाद लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं फैसल खान अपने वार्ड के लोगों का और अपने चाहने वालों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमें इस पद पे भेजा है। मैं उनका हमेशा आभारी रहूँगा और उन्हें हमेशा अपने दिल से चाहता रहूँगा। और मैं जब भी चाहूँगा कि मतलब मेरे वार्ड के लोग या मेरे अगल बगल जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, मैं कभी उन्हें वक्त पे काम आ सकूँ, यही मैं चाहूँगा। देखा आपने, क्या आपका जज्बा है कि मैं हमेशा अपने लोगों के साथ में काम आने का आपका हमेशा ख्वाहिश है। उम्मीद करता हूं कि नगर पालिका मोहम्मदाबाद में सभासद की हैसियत से अपने वार्ड के विकास में चमुखी विकास करेंगे। T22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद उस वार्ड में मौजूद हूँ जो एक दलित परिवार की संघर्षशील महिला हैं, सितारा देवी। ये दूसरी बार जीती हैं। जीत हासिल करने के बाद क्या महसूस कर रही हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी जनता को दिल की गहराइयों से
मैं धन्यवाद देती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ दिल से। और मैं जनता का इतनी आशीर्वाद, इतनी मोहब्बत, इतनी संघर्ष मिला है कि मुकाम पर मेरे जनता पहुँचाई है। मैं दिल की गहराइयों से उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे को उन लोग को इतना शक्ति मिले और इतना बल मिले कि उन लोग को मैं इतने काम करूँ, उनको हर दुख हर सुख पे मैं दौड़ूँ और हर दुख में उन लोग को शामिल हूँ। मेरा यही ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे को जान धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं जनता के प्यार की भूखी हूँ और मेरे जनता को प्यार मिला है कि मेरे को इस मुकाम पे आज माला पहनने के काबिल समझ के मेरे को जनता मैदान में उतारा है। मैं दिल की गहराइयों से उन लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं इसी तरह करती रहूँगी। ये 5 साल में जो भी कोई कुछ नहीं किया है, मैं करके दिखाऊँगी। हर गरीब के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलूँगी, ये मेरा वादा है। जब तक मैं हाथ सांसों में सांस चलती रहेगी, जनता के सेवा में उपस्थित रहूँगी। जब जनता मेरे को पुकारेगी, ये दरवाज़ा हमेशा मेरा खुला रहेगा, मोबाइल नंबर मेरा हमेशा चालू रहेगा, एक फोन पे जनता के मैं दौड़ के जाऊँगी। ये मेरा वादा है जनता से। फिर 5 साल के बाद मैं इसी तरह से मैं जनता के पार पाऊँगी और पाती रहूँगी। ये मेरा वादा है जनता से कि मैं जनता के मैं सेवा करूँ। बस मेरे को जनता काबिल समझ के इस मैदान में उतारा है तो मैं जनता का कभी सपना टूटने नहीं दूँगी। बताइए हमको, आप जनता की सेवा तो जरूर करेंगी। आप यहाँ पे मुकाबला जो था ट्रिपल इंजन की सरकार बनने की बात थी, अब समाजवादी पार्टी की जानिब से जो चेयरमैन जीते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? यहाँ तो उप मुख्यमंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो ज़्यादा विकास होगा, और यहाँ उल्टा हो गया है बहादुरगंज और अहमदाबाद में, इस संबंध में आपका क्या कहना है? यहाँ के हमेशा देखिए, यहाँ कुछ कहना नहीं है। लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल के चले जाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, वो करेंगे, लेकिन वो लोग कुछ करते नहीं हैं। यही एक परिवार गरीब के लोग समस्या का हल करते हैं। जनता जाती है तो उनकी समस्या को सुनी जाती है। और मैं यही चाहूँगी कि जो जनता जाए, जिस तरह रईस भाई की चेयरमैनी का जीत हुई है, उसी तरह जनता को मदद करें। मेरे बस उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बड़े बड़े लोग आते हैं, सपने दिखाते हैं, चले जाते हैं। लोकसभा का चुनाव अगर सांसद हमारे जीते बलिया क्षेत्र का, लेकिन आज तक मैं तो उनको देख भी नहीं की कि मेरे कैसे लोकसभा के सांसद तक आज तक मैं देख भी नहीं की। तो इसी तरह वो लोग का आदत पड़ गया है, बड़े बड़े सपना दिखाना, बड़े बड़े महलों का सपना दिखाना, नौकरी दिखाना। 5 किलो अनाज देते हैं लोग, गरीब के जो है कि कमाई क्या, उसका दाम बाजार में 100 रुपया है। अब 1200 का सिलेंडर देते हैं, इधर से कान पकड़ के इधर ले लेते हैं। हमारा ही पैसा हम ही को दे रहे हैं, अपना थोड़ी देते हैं। बड़े बड़े सपना दिखाते हैं और सपना दिखा के चले जाते हैं। आज तक आप सुने हैं पत्रकार भैयों कि इतना दिन से गरीब परिवार का कौन सा बेटा नौकरी पाया है, 10 साल होने जा रहा है। आज तक एक गरीब परिवार से एक भी लड़का पढ़ के वो अपना जो है कि कहीं 10,000 का नौकरी कर रहा है। कितने लोग अपने हाथ में हाथ कर लिए, कितने लोग पढ़वे जॉब कर रहे हैं, कितने लोग रामलीला मैदान में दौड़ते थे, आज उनके पैर खिला गया, पढ़ाई बर्बाद हो गई, उनकी उम्रें चल गई, लेकिन कोई सपना नहीं मिला। आते हैं लोग, जब चुनाव आती है तो लोग नज़र आते हैं, चुनाव बीत जाता है कभी नज़र नहीं आते हैं। तो मेरे सपना सपना की बात आपने कहा है सितारा देवी, यकीनन उन्होंने सपना दिखाया, सपना की बात कही है। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने जो सपना दिखाया था कि आज तक जिस वार्ड में रहती हैं, ठीक इनके सामने आपका मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे ट्रामा सेंटर है, और उस ट्रामा सेंटर में आज तक माननीय बलिया के सांसद मस्त जी के कहने पे, अभी जिस वक्त चुनाव में आए थे उस वक्त भी कहा गया था कि सांसद महोदय आपका ट्रामा सेंटर पे डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर अब चुनाव हो गया है, शायद उन्हें नींद टूटे और डॉक्टर यहाँ पे आए। डबल इंजन की सरकार है। मैं जनता की जानिब से पुनः इस उत्सव में निवेदन करना चाहता हूँ कि ट्रामा सेंटर पे जल्द से जल्द डॉक्टर आए, और सितारा देवी से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप भी इस संघर्षशील काम को लपटिए ताकि डॉक्टर यहाँ पे आए। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद के चर्चित एक दुकानदार के यहाँ गार मेडिकल शॉप जो 24 घंटा खुला रहता है, लोगों को सुविधाएँ और लोगों को दवाएं उपलब्ध कराने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध दुकान है। मैं उनके मालिक कन्हाई खान से जानना चाहता हूं कि जो रिजल्ट आया है इस पे आपका क्या विचार है, क्या जानना चाहते हैं आप बताएं। अब रिजल्ट जो आया है मोहम्मदाबाद का, जी किस निगाह से देखते हैं, क्या ठीक है यहां का जो जनता है? पहले तो ये कि जो पहले के सभी मोहम्मद थे
अंसारी समीम अहमद जो चेयरमैन पूर्व थे उनसे कुछ नाराज़गी थी, तो इसलिए सपा ने उनको बदल करके रईस अहमद को दिया था। जो जनता में रोष था वो शांत हुआ और लोग जो बदलाव चाहते थे वो सिर्फ समीम अहमद की तरफ से चाहते थे, और वैसे तो सपा से लोग खुश ही थे। और बदलाव के चक्कर में लोगों ने जब रईस अंसारी को टिकट दे दिया तो अच्छा खासा जीत मिली, और मुबारक हो रईस अंसारी को, यहाँ की जनता की जीत हुई। अब रह गई बात ये कि जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहते थे लोग कि ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए और केंद्र से राज्य से हर जगह से पैसा आएगा तो मिलेगा, तो वो तो चाहे केंद्र में सरकार रहे चाहे राज्य में रहे, जो मिलना चाहिए नगर पालिका वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जो रहेगा यहाँ के जो बॉडी लोकल बॉडी जो काम करेगा ही करेगा, उसमें तो रुकना नहीं है। ये तो भ्रम करने की बात है, भ्रम फैलाने की बात है, या एक तरह समझ लीजिए कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। जो मिलना चाहिए वो मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि गाजीपुर में सपा का नहीं है वहाँ भाजपा है तो ज़्यादा मिल जाए और यहाँ सपा है तो नहीं मिलेगा। जो केंद्र से राज्य से जो पैसा आवंटन होता है जिस काम के लिए मिलता है हमारे समय से। बहुत ही शानदार बात आपने कही है। देखिए ये जो ग्राम सभा हो या कई सभा हो, जो सरकार की योजनाएं हैं वो तो सबको मिलती है। अब योजना को चलाने वाला व्यक्ति जो होता है प्रधान या चेयरमैन, वो कितना ईमानदार है, कितना काम करने वाला व्यक्ति। मैं मोहम्मदाबाद के मेडिकल शॉप विक्रेता केंद्र के जो अध्यक्ष हैं कन्हाई खान से बात कर रहा था, और बहुत ही शानदार बात बताई है कि लोगों को भ्रम करने पैदा करने के लिए जो ट्रिपल इंजन की सरकार का जो बता करके लोगों से वोट लेने का काम किया जा रहा था उसे तोड़ दिया। सबका साथ सबका विकास की जो बातें की गई थी वो सब खत्म हो गई यहाँ पे। जिसको करना था विकास का धन आएगा और किन हमारा नगर विकास करेगा।